सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से वर्ल्ड बैंक के वक्त की मुलाकात हुई है। वर्ल्ड बैंक के तहत जारी प्राइड प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। नबील जावेद की वर्ल्ड बैंक वक्त को प्राइड प्रोग्राम पर रोड मैप देने की हिदायत की गई। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान बताइएगा। बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से वर्ल्ड बैंक के वफद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में डीजीपी एलआरए व दीगर अफसरान ने शिरकत की है। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के तहत जारी प्राइड प्रोग्राम पर तबादला शर किया गया, जबकि वफद ने एसएमबीआर नबील जावेद को प्राइड प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से एसएमबीआर के वर्ल्ड बैंक वफद को प्राइड प्रोग्राम पर रोड मैप देने की भी हदायत कर दी गई है। वफद ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि डोमेस्टिक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है, जबकि नबील जावेद का कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तमाम शोबों में इस्लाहात जारी है। पीएलआरए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एक्साइज के डेटे में आपस में लिंक किया जा रहा है, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑडिट सिस्टम को मजीद शफाफ और मौसर बना रहे हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम की जा रही है, जबकि तमाम डेटे को डिजिटलाइज किया जा रहा है। ई रजिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट पंजाब में फंक्शनल है, जबकि पंजाब के इजला में 82% ई रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। गैर मुल्की सरमायाकारी करने वाली कंपनीज को तमाम तरह सहूलियात फराम की जा रही हैं। सर्विस डिलीवरी की फ्राहमी और एंड सोर्स को सहूलत बुनियादी तरजीह है। हमारा बुनियादी मकसद आवाम को सहूलियात फराम करना है, जबकि एसएमबीआर ने। इमरान अकबर।